आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है इंटरलिंक्ड फूड चेन्स कॉन्स्टिट्यूट अ डैश डैश। तो बहुत सारे फूड चेन एक साथ इंटरलिंक्ड जब हो जाते हैं तब क्या बनता है। देखिए, फूड चेन इसमें लोअर ट्रॉपिकल लेवल, फूड चेन में लोअर ट्रॉपिकल लेवल से हायर लेवल तक, हायर ट्रॉपिकल लेवल तक ये जो फूड है यानी कि एनर्जी सप्लाई होता है। तो लोअर ट्रॉपिकल लेवल और हायर ट्रॉपिकल लेवल इसमें एक्सचेंज होगी एनर्जी की। अब बात करेंगे फूड चेन की, तो बहुत सारे फूड चेन प्रेजेंट होते हैं हमारे इकोसिस्टम में और ये फूड चेन एक दूसरे पे ओवरलैप हो सकते हैं या फिर ये इंटरलिंक्ड हो सकते हैं। अब इसका रीजन हम अगर देखेंगे तो कोई भी ऑर्गेनिज्म ये पार्ट हो सकता है, कैन बी अ पार्ट ऑफ मेनी फूड चेन्स। मेनी फूड चेन्स हम एक एग्जांपल लेके समझाएंगे कि बात करेंगे अगर माउस की, तो इस माउस को स्नेक भी खा सकता है, इस माउस को ईगल भी खा सकता है, माउस को हॉक भी खा सकता है। तो एक ही माउस अलग अलग फूड चेन में प्रेजेंट रह सकता है। तो फूड चेन एक प्रोबेबिलिटी होती है कि इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होगा, लेकिन असल में देखा जाए तो हमारे नेचर में कोई भी फूड चेन प्रेडिक्टेबल नहीं है। कई सारे, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म अलग अलग फूड चेन में अलग अलग पोजिशन पे रह सकता है। तो इन सब फूड चेन को अगर इंटरलिंक करते हैं तो उसे हम बोलेंगे फूड वेब, उसे हम बोलेंगे फूड वेब, और यही होगा अपना आंसर। फूड वेब है जो कई सारे फूड चेन्स को इंटरलिंक्ड करने के बाद ये अपने इकोसिस्टम में एक प्रॉपर फूड वेब बनेगा जब इंटरलिंक्ड फूड चेन्स एक साथ आएंगे। तो आंसर होगा हमारा यहाँ फूड वेब। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।